फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा ग्लोइंग सीरम शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपकी स्किन को चमको चमकी कर देगा, बहुत ग्लो करेगी स्किन, और इसकी वजह से स्किन हाइड्रेट हो जाएगी, मॉइस्चराइज हो जाएगी स्किन, और जो पिगमेंटेशन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसकी वजह से स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी। मेनली ग्लो सीरम जो है वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है। तो ये सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट में बन जाएगा आसानी से। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। बहुत इजी है, सिंपल है, आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं हमें इसके लिए क्या चाहिए। हमें इसके लिए एक रोज़ वाटर चाहिए, रोगने बादाम चाहिए, और इसके अलावा हमें एलोवेरा जेल चाहिए। इन 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारा बहुत अच्छा ग्लो सीरम बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि ग्लो सीरम कैसे बनेगा। सबसे पहले मैंने एलोवेरा जेल ली है, आप कोई भी ले सकते हैं, फ्रेश आप इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाती है, और ये ग्लो सीरम हमें जो है वो ज़्यादा देर के लिए स्टोर करना है, तो इसलिए हम लोग फ्रेश नहीं लेंगे। हम लोग ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है, आप कोई भी किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। तो हम लोग ये वाली एलोवेरा जेल लेंगे। तो इसके मैं यहाँ पे 3 टेबल स्पून लूंगी। तो इसके मैं यहाँ पे 3 टेबल स्पून लूंगी, 1 ये से भर के आपने जो है वो 3 टेबल स्पून लेने हैं, 2 और ये 3। ये 3 टेबल स्पून ले लिए एलोवेरा जेल के। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेना है कि कोई इसमें लम्ब्स ना रहे। उसके बाद ये रोज़ वाटर है, ये मरहबा वालों का रोज़ वाटर है, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो इसके मैं लूँगी 2 टेबल स्पून, मैं इसके लूंगी रोज वाटर के। वन और ये 2, फुल भर के लेना है 2 टेबल स्पून, और ये ले लिया। फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, लिक्विड सा बन गया है, फिर उसको अच्छे से मिक्स करना है कि एलोवेरा जेल की कोई लम्ब्स ना रहे। उसके बाद ये बादाम रोगन है, इसका मैं 1 टेबल स्पून यूज करूंगी। ये जी 1 चम्मच गया बादाम रोगन, ये 1 चम्मच इसमें बादाम रोगन ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी सी हो जाए, लम्ब्स ना रहे इसमें। ये कितनी शाइन है इस लिक्विड में, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ये ब्राइट कलर का लिक्विड बन गया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, 2 से 3 मिनट आप इसको मिक्स करेंगे तो ये क्रीम सा टेक्सचर बन जाएगा इसका। इसमें नज़र आ रहा होने मिक्सचर यहाँ पे कि कितना शाइनी सा मिक्सचर है, इसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी, आपको खुद स्किन में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी और पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाएगी, स्किन हाइड्रेट हो जाएगी। इसके बाद आप इसको किसी भी स्प्रे बॉटल्स में स्टोर कर सकते हैं। मैं स्प्रे बॉटल लूँगी खाली है, और इसमें जो है मैं अपना ग्लो सीरम ऐड कर दूँगी। बहुत
ज़्यादा अच्छा है ये, और मैंने बस ये ट्राई किया है तो इससे बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाती है और स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है। आप लोग भी मस्त ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दिएगा कैसा रिजल्ट मिला आपको इसका। मैंने इसको सारा जो है वो मैंने अच्छे से कर लिया है स्प्रे बॉटल में। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा ही बनाया था मैंने चेक करने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि ये कैसा है, इसका रिज़ल्ट कैसा है। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ। आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, जैसे मैंने ये 3 टेबल स्पून एलोवेरा जेल लिया, आप 6 भी ले सकते हैं, और ये 2 टेबल स्पून फिर आप रोगने बादाम लेंगे, और इस तरह वाटर, रोज़ वाटर की भी आप क्वान्टिटी डबल कर देंगे। तो आपको जितना चाहिए हो, जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए हो, आप उसे डबल करके यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए आपको थोड़ी सी क्वांटिटी बताई है कि आप बना सकें और यूज़ कर सकें, अगर आपको इफ़ेक्टिव लगे तो आप दोबारा बना सकें। तो इसको कुछ भी नहीं होगा, 2 से 3 महीने तो ये आराम से गुजर जाएगा, मतलब इससे भी ज़्यादा गुजर जाएगा, क्योंकि एलोवेरा जेल हमने फ्रेश नहीं ली तो इसकी वजह से ये देर तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो ग्लो सीरम बनाया है, मैं आपको इसका एक स्प्रे करके दिखाती हूँ अपने हाथ पे। इसको अच्छे से कर लेना है ताकि एब्जॉर्ब हो जाए। नज़र आ रहा होगा जहाँ पे अप्लाई किया हुआ है वहाँ से स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करी है। इसी तरह आप फेस पे अप्लाई करेंगे तो 1 से 2 दफ़ा अप्लाई करने के बाद आपको वाजिया जो इसका रिज़ल्ट नज़र आएगा। ग्लो सीरम हम लोगों ने बनाया है, ये स्किन को मॉइस्चराइज करता है। अगर आपकी स्किन पे इम्प्योरिटीज़ हैं, पिगमेंटेशन है, इसकी वजह से ये भी ख़त्म हो जाती हैं, और ये डीप क्लिनजिंग के लिए भी यूज़ होता है क्योंकि इसमें रोगनी बादाम यूज़ है और एलोवेरा जेल यूज़ है। इसके अलावा ये स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो देता है। इसको लड़कियों के साथ साथ लड़के भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लड़के बाहर निकलते हैं गर्मी में धूप की वजह से, बेचारों का रंग थोड़ा हाँ मतलब उनकी पिगमेंटेशन हो जाती है, स्किन टैन हो जाती है, उसकी वजह से उनका कलर जो है वो डल हो जाती है, ब्राउन सा कलर हो जाता है। तो ये अगर सीरम यूज़ करेंगे तो इसकी वजह से उनकी स्किन भी ग्लो कर सकती है, जैसे कि लड़कियों की स्किन ग्लो करती है। और ये होगा कि उनकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहेगी, हाइड्रेट रहेगी, तो ये स्किन को जो है इसकी वजह से भी एलोवेरा जेल इसमें ऐड है तो ये स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, इसलिए उनकी स्किन भी ग्लो कर सकती है। तो ये इतना ही इफ़ेक्टिव लड़कों के लिए है जितना इफ़ेक्टिव के लड़कियों के लिए। तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपको एक दफ़ा यूज़ करके इससे ग्लो नज़र आ जाएगा, आपकी स्किन पे जो ग्लो होगा आपको एक दफ़ा यूज़ करने से उसको पता चल जाएगा। अगर आपको ये इफ़ेक्टिव लगता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और इसके यूज़ से आपकी स्किन हेल्दी भी होगी, ग्लो भी करेगी। तो आप लोग मस्त इसको ट्राई करिएगा। और